अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं जावेद सैयद ईमान फाउंडेशन में आपका स्वागत है, इस्तकबाल करते हैं। पिछला जो एपिसोड है गुस्ल का बताया था, आज बताएंगे गुस्ल किन किन चीज़ों से फ़र्ज हो जाता है। तो जो बेसिक चीज़ें हैं, जैसा यंग जो लड़के होते हैं या लड़कियां होती है, लड़कों को अगर रात को एहतलाम हो गया, नाइट फॉल जिसे कहते हैं, नींद में हो गया, तो उनके लिए गुस्ल फ़र्ज हो जाता है। अगर वो पंज वक्ता नमाजी है और इस्लामिक शरीयत के हिसाब से ज़िंदगी गुजारते हैं, तो उनको चाहिए कि रात में ही वो उस जो एहतलाम हुआ है उस जगह को धो ले, अपने कपड़े बदल ले और वज़ू कर ले। रात में नहाने की अगर बहुत ठंड है तो ज़रूरत नहीं, अगर पानी गर्म ना मिल रहा हो तो सो जाए, सुबह वो नहा सकते हैं। बीवी के साथ जमा करने पर या सेक्स करने पर भी दोनों पर गुस्ल फ़र्ज हो जाता है। अब अहदीस में आया है कि अगर आप अपनी बीवी के साथ जमा करने की नियत से इस तरीके से दोनों के एक दूसरे के पैर सटा लिए, लेकिन किसी कारण से आप जमा नहीं कर पाए, तो भी अगर आपकी दोनों की शर्मगाह एक दूसरे से मिली हुई थी, मतलब हस्बैंड और वाइफ की, और किसी कारण से आप जमा या सेक्स नहीं कर पाए, तो भी आप पर गुस्ल फ़र्ज हो जाएगा। अब कुरान करीम की सूरत माईदा, जो पांचवी सूरत है कुरान पाक की, उसकी छठवीं आयत मैं आपको बताता हूँ वो क्या है। तुम जब नमाज़ पढ़ने का इरादा किया करो तो मुंह और कोनियों तक हाथ धो लिया करो और सर का मसा कर लिया करो और टखनों तक पाँव धो लिया करो। मतलब यहाँ वज़ू के चार फ़राइज़ बताए जा रहे हैं, चेहरा धोना, कोनियों तक का हाथ धोना, मसा करना जो कि ऐसा किया जाता है, और टखनों तक पैर धोना। उसके बाद जो दिया हुआ है, अगर नहाने की ज़रूरत हो तो पाक हो जाया करो, मतलब जैसा कि आप अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी हुए या आपको नाइट फॉल हुआ है, तो आपको गुस्ल फ़र्ज हो जाएगा, आपको गुस्ल करना ही पड़ेगा। उसमें आगे दिया है, और अगर आप बीमार हो तो आप गुस्ल नहीं, और या सफ़र में हो, या कोई तुम में से बैतुल खला से होकर आया हो, औरत से हम बिस्तरी हो और तुम्हें पानी ना मिल सके, तो पाक मिट्टी लो और उससे मुंह और हाथों पर मसा कर लो, जिसे हम तयम्मुम कहते हैं, तो तुम पाक माने जाओगे और खुदा तुम पर ज़बरदस्ती या तंगी नहीं करता है। अब यहाँ जो तीन बातें आई है, एक आई है अगर तुम बीवी के साथ हम बिस्तरी हो, जिसका शब्द है मुबाशरत, तो ये मुबाशरत जो है, तो ये जो आया है कि अगर आप सफ़र में हो, आपने हम बिस्तरी किया है, तो आपको तयम्मुम करके करना है। ये उस अरब के लिए आया था जहाँ पानी कम था, आज की सूरत हाल में हर जगह जहाँ की पानी मौजूद है, तो आपको गुस्ल कर लेना ही बेहतर। अब इसमें एक आया है कि अगर आप बैतुल खला करके आए हो तो भी आपको गुस्ल करना है, तो ये बैतुल खला भी उस अरब के जो सफ़र करते थे लोग, उनके लिए है, ना कि आम दुनिया के लोगों के लिए है। क्योंकि जैसा जानते हैं, अभी तो हम हर जगह टॉयलेट बन गए हैं, टोल प्लाजा पे टॉयलेट बन गए हैं, वहाँ पे पानी की भी सुविधा होती है, तो जब हम पानी से पैखाना साफ़ कर लेते हैं तो उसके लिए हमें गुस्ल की हाजत नहीं होती है, गुस्ल फ़र्ज उस पर नहीं होता है, वजू से काम वो चला सकता है। तो ये उस सफ़र की हालत में है जहाँ पानी आपको ना मुयस्सर हो और आपने पैखाना करने के बाद किसी अन्य चीज़ से साफ़ किया हो, ये उसके लिए आया है। और ये जो आयत स्पेसिफिक आई है, ये पर्टिकुलर अगर नमाज का वक्त आ जाए और आपको नमाज़ पढ़ना है और ये सूरत हाल है और आपको पानी नहीं मिल रहा है, पानी मिलने में आपको बहुत टाइम है, तब आपको करना है, इसे आपको अपना नियम नहीं बनाना है। समझ गए आप? जैसा बीवी के साथ हम बिस्तरी होने पर आपको गुस्ल फ़र्ज हो जाएगा, बेहतर तरीका ये है अगर आप इस्लामिक तरीके से रूहानी ज़िंदगी जीना चाहते हैं, तो आप अपनी शर्मगाह को रात में ही धो ले और वज़ू करके सो जाए, फिर सुबह गुस्ल करें। और इसमें क्या है,
कि क्या मियाँ बीवी साथ में गुसल कर सकते हैं? आप बेशक कर सकते हैं, लेकिन पानी अगर एक बर्तन में ले रहे हैं अलग-अलग अलग-अलग रह के वो कर सकते हैं। गुसल पूरा नंगा होके करना चाहिए या कपड़े पहन के करना चाहिए? तो उसमें हदीस में एक चीज़ आई है बुखारी शरीफ में कि एक सहाबी रसूलुल्लाह से पूछते हैं, या रसूलुल्लाह जब मेरी बीवी और लौंडी घर पर ना हो तो क्या मैं नंगा होकर गुस्ल कर सकता हूँ? तो रसूल पाक फरमाते हैं, तुम्हें क्या लगता है कि सिर्फ तुम्हारी बीवी और तुम्हारी लौंडी ही तुम्हें देखती है? उस खुदा से डरो जो हर चीज़ देखने और जानने वाला है। तो बेहतर है कि आप नंगे होकर ना करें, लेकिन अगर कमरे में बंद आप कर भी रहे तो उसमें किसी भी प्रकार का हर्ज नहीं है, क्योंकि अगर आपके कपड़े गंदे हैं तो आपको, अगर आपकी जो अंडरवियर है वो गंदी है तो वो पहले आपको निकालना ही पड़ेगा और नजासत को धोए बाद आपको गुस्ल करना पड़ेगा, और गुस्ल के बाद ही वजू आएगा, जो कि अगले एपिसोड में आपको बताया जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह।